तो कैसे हो बंटाई की पब्लिक? तो जैसा कि आप सबको थंबनेल को देखकर यही लग रहा होगा कि एमवे बंटाई का क्या रफ्फू भाई के लिए सही में कोई डिस्ट्रैक्ट आने वाला है, तो ये सब चीज़ मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर मेरी वीडियोस को डेली देखते हो तो भाई एक बार लाइक कर दो। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूँ कि कल रफ्फू भाई का एक इंटरव्यू सामने आया था और जिसमें उन्होंने अपने डिस्ट्रैक्ट शेख चिली जो एमवे बंटाई के लिए आया था उसके बारे में उन्होंने बताया था, और बीच में उन्होंने ये भी बताया था कि उनका और एमवे बंटाई का बीफ कैसे स्टार्ट हुआ तो था। सबसे पहले तो आप लोग रफ्फू भाई के इस इंटरव्यू को देख लो। अभी तक देखो यही है, वो वाले सोचते हैं सही नहीं बोला, मैं सोचता हूँ सही बोला। आई वॉज टॉकिंग इन जनरल अबाउट द होल सीन कि ये लोग इतना डिजर्व करते हैं, इनको ये मिलना चाहिए, पर यू हैव टू प्लेस योर वर्ड्स राइट ना। बोलने का तरीका शायद गलत होगा या शायद सही होगा, मैंने सही बोला था अपनी तरफ से। उसको ऐसा लगा कि मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि नो ही डजंट मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट आई सेड ही कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। यही है कि ये बहुत पैसे बना सकता है और सुनना कि ये पैसे नहीं बनाता है, वो दो पहलू है। इट इज ऑल्सो राइट व्हेन आई फील कि एक तरीके से लगता है कि वो नहीं कमा रहा, क्या पता वो नहीं बताना चाहता हो, एक तरीके से लगता है ऐसा। पर एक तरीके से कंसर्न भी दिखता है कि नहीं यार, हमारे सीन में इन लोग डिजर्व करते हैं, इनको और मिलना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये दो पहलू थे, इन दो पहलुओं की लड़ाई हो गई। और दो वर्ड प्लेस तो ऐसी बिकॉज ही हैड अ सॉन्ग कॉल्ड कड़क पर, इन फैक्ट आई रियली लाइक दैट सॉन्ग जब वो आया था, तो वही है। तो मतलब उसमें ही इज टॉकिंग अबाउट बीइंग लाइक वो एंड आई से कि डोंट मत बट। तो जैसा कि आपने देखा रफ्फू भाई बोलते कि उनके जो वर्ड्स थे उसके दो पहलू निकलते हैं। एक तरफ से आप लोग सोचोगे तो सही में लगेगा कि एमवे बंटा उस टाइम पे कुछ ज्यादा अर्निंग नहीं कर रहे थे, और रफ्फू भाई ने दूसरे पहलू में ये कहा है कि पॉप सीन में ये सारे रैपर्स और भी डिजर्व करते हैं। बाकी पब्लिक, आप लोगों को रफ्फू भाई की बात कितनी सही लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके अलावा जो पब्लिक एमवे बंटा के डिस्ट्रैक के बारे में सोच रहे थे, तो मैं आप सबको बता दूं कि रफ्फू भाई के इस इंटरव्यू के कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग देखोगे तो काफी सारी पब्लिक यही बोल रही है कि इस इंटरव्यू के बाद एमवे बंटा रफ्फू भाई के लिए एक डिस्ट्रैक लाने वाले हैं। सो मुझको तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। सो क्या पता ऐसा हो सकता है एमवे बंटा इस पे कुछ ना कुछ शॉट्स ले ले। बाकी बंटा की पब्लिक, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।